आप टीचर हो या पेरेंट हो, अब दोनों के लिए मुझे एक सवाल पूछना है। क्या आपने कभी आपके बच्चों को पनिशमेंट दी है क्या? यस, पनिशमेंट। या फिर आपने कभी देखा है कोई टीचर या पेरेंट बच्चों को पनिश करते हैं, पनिशमेंट देते हैं? तो जरा उसके बारे में हम सोचते हैं, ये पनिशमेंट एग्जैक्टली हम क्यों देते हैं, इसके क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज, हमें पनिशमेंट देनी चाहिए कि नहीं चाहिए, इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स आज हम देखेंगे। हम किस तरह की पनिशमेंट बच्चों को देते हैं? एक तो हम उनके साथ बात नहीं करते, या फिर तूने ये नहीं किया तो तुझे ये पनिशमेंट दूंगा, या फिर हम बातों से डराते हैं, कभी कभी हम फिजिकली थोड़ा उनको स्ट्रेस देते हैं, जैसे कि एक तरह से मुर्गा बनना है, या फिर बच्चों को कभी कभी हम थोड़ा सा मार भी देते हैं। तो इस तरह के अलग अलग पनिशमेंट, कभी कभी हम बच्चों के साथ बात नहीं करते हैं। तो अगर आप इस तरह के पनिशमेंट दे रहे हो बच्चों को, या फिर आपने कभी दी है, थोड़ा ध्यान से सोचते हैं, ध्यान से इस चीज को समझते हैं, एज अ पेरेंट एज अ टीचर हम ऐसा क्यों करते हैं। एग्जैक्टली मैंने जब ये सोचा कि लोग टीचर्स पेरेंट्स पनिशमेंट क्यों देते हैं बच्चों को, होमवर्क नहीं किया तो पनिशमेंट, बोर्ड से कॉपी करके लिखा नहीं तो पनिशमेंट, जो बोला है वो नहीं किया गया तो पनिशमेंट, अभी जब मैंने इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में सोचा तो मुझे एक चीज ध्यान में आई, एक चीज मुझे समझ में आई, वो ये है कि जो भी पेरेंट या फिर टीचर जो भी बच्चों को पनिश करते हैं, पनिशमेंट देते हैं, उनका इंटेंशन गलत नहीं होता है। उनका इंटेंशन बच्चों के बारे में उनको बुरा करना है ये बात नहीं होती है, बट फिर भी पनिशमेंट की एक्ट होती है। क्यों होती है? अभी देखिए एग्जैक्टली क्या होता है, कोई भी टीचर या फिर कोई भी पेरेंट, मतलब जो व्यक्ति जो पर्सन बच्चे के साथ डील कर रहा है, उस पर्सन के माइंड में बच्चे को जो एक्टिविटी दी जा रही है करने के लिए, उस एक्टिविटी को लेके एक आउटकम है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं टीचर हूँ, मैं मेरे स्टूडेंट को बोल रही हूँ कि आपको ये करना है, यू हैव टू कंप्लीट दिस स्टडी, या फिर यू हैव टू कंप्लीट दिस होमवर्क और व्हाट एवर टास्क इज गिवन, एंड एज अ टीचर मेरे माइंड में ऑलरेडी एक आउटकम सेट हो गया है, मैं मेरे स्टूडेंट को ये सिखा रही हूँ और आफ्टर डूइंग दिस, मैंने ये डिलीवर करने के बाद, सिखाने के बाद, उस बच्चे ने, उस स्टूडेंट ने एक्स वाई जेड थिंग्स, मतलब ये आउटकम बच्चे के पास से आना चाहिए, उसने लिखना चाहिए, उसने अच्छे मार्क्स लाने चाहिए, उसने मैंने जो कहा है वो करना ही चाहिए, इस तरह का आउटकम हमारे माइंड में सेट होता है। अनोइंगली अनकॉन्शियसली हम उसको डिसाइड करके रखते हैं कि यही होना चाहिए, इफ आई डू दिस इट शुड बी द आउटकम। एंड व्हाट हैपेंस, हमेशा हम समझो एक टीचर या फिर एक पेरेंट बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, तो हमेशा हमने जो सोचा हुआ आउटकम है वो आउटकम बच्चे हमें नहीं दे पाते हैं, हमारा डिसाइड किया हुआ आउटकम हमें नहीं मिलता है, और उस वक्त हमने ये आउटकम डिसाइड किया जो नहीं मिला है उसके लिए हम बच्चों को पनिशमेंट देते हैं। अभी आउटकम डिसाइड किया हुआ आउटकम और पनिशमेंट देना, इसके बीच में क्या होता है थोड़ा और ध्यान से समझिए। एज अ टीचर या फिर एज एन इंडिविजुअल, मैं जब मेरे बच्चों को, स्टूडेंट्स को हार्मफुल, या फिर नाउ व्हेन आई से हार्मफुल इट डजंट मीन, इसका मतलब ये नहीं कि हर बार हाथ पे मारना ही जरूरी है, वो हार्मफुल बच्चों को शायद इमोशनली हो सकता है, वो हार्मफुल बच्चों को उनके रिस्पेक्ट को लेके हो सकता है, वो हार्मफुल बच्चों को उनके मेंटल स्टेट पे भी वो हार्मफुल हो सकता है, जो भी मैं एक्ट कर रही हूँ। अभी आउटकम नहीं आया और मैंने पनिशमेंट दी, इसके बीच में क्या हो रहा है, मेरे माइंड में एज अ पर्सन जो मैं बच्चों के साथ डील कर रही हूँ, मेरे माइंड में उस आउटकम को लेके इतनी अटैचमेंट है, इतना लगाव है, उस लगाव को पूरा होना ही चाहिए, अगर वो लगाव पूरा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं पे मैं खुद को, खुद के बारे में मैं कुछ तो सोचती हूँ या फिर सोचता हूँ, और ये आउटकम नहीं हुआ तो दूसरा क्या हो सकता है, इस बात को हम देख नहीं पाते, या फिर हम वो देखने की क्षमता नहीं रहती है, वो एक्सेप्टेंस नहीं रहता है, तब हमें लगता है कि दिस इज द ओनली वे एंड दिस इज द आउटकम इट हैज टू बी, यही एक रास्ता है जो मैं बता रही हूँ और यही आउटकम इसका आना चाहिए, एंड बेस्ड ऑन दीज टू पॉइंट्स वी जज दैट चाइल्ड, हम उस बच्चे को जज कर देते हैं
कि ये बच्चे ने ये काम ठीक से नहीं किया, अभी ये बच्चे ने ये काम ठीक से नहीं किया, जो बोला गया है वो नहीं किया, तो इसका एक ही नतीजा है, इसको पनिशमेंट दे दो। क्या होता है अभी यहाँ तक तो स्टोरी हो गई कि हम जब पनिशमेंट देते क्यों देते हैं, उसका इंटरनल। अभी जब हम पनिश करते हैं बच्चे को तो उसके अंदर क्या होता है, बच्चों की क्रिएटिव एबिलिटी जो होती है उस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, रॉन्ग वे में एक इम्पैक्ट आता है। क्यों रॉन्ग वे में इम्पैक्ट आता है मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर वो बच्चा कुछ आपने जो बताया हुआ आउटकम नहीं निकल पा रहा है तो दूसरा वे क्या हो सकता है, वॉट इज दैट चाइल्ड इज एक्चुअली डूइंग और वॉट इज दैट चाइल्ड इज एक्चुअली फीलिंग और परसिविंग इन हर और हिज माइंड, वो हम जानने की कोशिश नहीं करते हैं एंड वी जज द चाइल्ड। अभी जज होने से क्या होता है, क्रिएटिव एबिलिटी वो एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं, दूसरी बात वो इमोशनली डाउन फील करते हैं, उनको डिसरिस्पेक्ट फील होता है। एज अ टीचर एज अ पेरेंट वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड कि जब हम बच्चे का इंसल्ट करवाते हैं, बच्चों को गिल्ट फील करवाते हैं, बच्चों को डराते हैं, उस वक्त उनकी एनर्जी, उनका ऑरा जो एक्सपांड होना चाहिए वो श्रिंक होता है, वो कमजोर होने लगता है और उसकी वजह से उनकी क्रिएटिव एबिलिटी नहीं बढ़ पाती एंड दैट इज वेरी डेंजरस फॉर एनी चाइल्ड। तो अभी ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो आप आउटकम को अटैच मत रहो कि मैंने ये बताया इसके लिए होना ही चाहिए, अगर ये नहीं हो रहा है तो फाइंड आउट द रीजन क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा अगर ये नहीं हो रहा है तो फाइंड आउट अदर वेज हाउ एज अ टीचर एज अ पेरेंट मैं कर सकती हूँ। थोड़ा सा सोचिए 30-40 इयर्स के हम पेरेंट और टीचर 6-7-8-10-12 साल के बच्चे को इतना डिफरेंस होने के बाद भी हम अलग अलग वेज फाइंड आउट नहीं कर सकते बच्चे को ट्रीट करने के लिए, बच्चे को सिखाने के लिए और उनकी एबिलिटीज उनकी एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए, तो हम बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम जो बोले वही वो करे। और हम जब भी बच्चों को पनिशमेंट देते एक सोचिए क्या वो पनिशमेंट के बाद आपको आपका डिजायर्ड आउटकम मिलता है क्या। समझो आपको चाहिए कि आपके बच्चे ने इस तरह से डिसिप्लिन मैनर में बैठे, या फिर आपके बच्चे ने ये होमवर्क कंप्लीट करे, या फिर आपके बच्चे ने आपके स्टूडेंट ने एक्स वाई जेड मैटर पूरा आपके नोटबुक पे लिखे, वो कंप्लीट होता है क्या, आपके पनिशमेंट के बाद आप जो चाहिए वो अचीव कर पाते हो क्या। आपको ऐसे शायद लगता होगा कि बच्चे आफ्टर पनिशमेंट जो आउटकम चाहिए बच्चों से वो आउटकम आता है, बट लेट मी टेल यू अगर उनके पास से आपको जो आउटकम चाहिए वो आ रहा है एंड दैट इज ऑल्सो आफ्टर पनिशमेंट, देन दे आर डूइंग इट आउट ऑफ फियर, बच्चे डर के मारे ये कर रहे हैं, दैट इज नॉट फ्रॉम द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस एंड जॉय। सो डियर पेरेंट्स एंड टीचर्स, बच्चों को पनिशमेंट देने के पहले आप सोचिए, आप एज से बड़े हो, आप एजुकेशन से बड़े हो, ज्यादा पढ़ाई आपने की है, ज्यादा एक्सपीरियंस आपको है, ज्यादा क्रिएटिव एबिलिटी आप यूज कर सकते हो, सो फाइंड आउट डिफरेंट वेज, फाइंड आउट डिफरेंट वेज टू डील विथ एनी चाइल्ड, फाइंड आउट डिफरेंट वेज जहाँ पे आप बच्चों की एनर्जी को एक्सप्लोर एक्सपांड करने में हेल्प करो, फाइंड आउट द वेज वेर यू कैन हेल्प चाइल्ड टू फील कॉन्फिडेंट नॉट टू फील डिमोरलाइज, उनको डरा के उनको धमका के कोई भी आउटकम आपको आएगा तो वो आउटकम टेम्पररी होगा, दैट विल नॉट बी परमानेंट। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी आप पनिशमेंट देते हो तो बच्चा आपकी इमेज आपके बच्चे के माइंड में ले रहा है, इन अननोविंगली ले रहा है, तो वो इमेज कैसे जानी चाहिए, डरावनी जानी चाहिए या प्यार वाली, इंस्पिरेशनल टीचर और पेरेंट की जानी चाहिए या डरावनी जानी चाहिए, दैट यू हैव टू डिसाइड। सो एज ऑलवेज से टीचर्स एंड पेरेंट्स आर पिलर्स ऑफ द सोसाइटी, और पिलर्स अगर है तो ये पिलर्स का काम ये होना चाहिए कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, बच्चों की एनर्जी लेवल बढ़ाओ, ना कि उसको डरा धमका के उनके पास से कुछ करो। सो बिफोर गिविंग एनी पनिशमेंट आई थिंक एज अ पेरेंट एज अ टीचर वी नीड टू थिंक 1000 टाइम्स, बिकॉज इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट इज आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है फ्यूचर जनरेशन के लिए राइट एक्शन लेने की। अगर आप मेरे इस विचार से सहमत हो तो मुझे जरूर बताइएगा आपके क्या व्यू पॉइंट से पनिशमेंट के ऊपर, वो भी बताइएगा, और अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को हेल्प करेगा तो उनको जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज शुभदा भावे, टीचर ट्रेनर एंटरप्रेन्योर एंड पेरेंट।